कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म का रद्द अमल आएगा। नरेंद्र मोदी कश्मीरियों को शिकस्त नहीं दे सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुज़फ़्फ़राबाद जलसे से खताब, मजीद कहा भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जंग हुई तो कौम आखिरी दम तक लड़ेगी। वज़ीरे खारजा की ज़ेरे सदारत कश्मीर सेल का तीसरा इजलास, वज़ीरे कानून मामले ख़ुसूसी बराए इत्तला'आत सिविल और अस्करी हकाम की शिरकत। मसला कश्मीर आलमी फोरम पर उजागर करने के लिए मशावरत, वज़ीरे खारजा कहते हैं उनकी काबिशें रंग ला रही हैं। वज़ीरे आज़म नहत्ते कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने अक़वामे मुत्तहदा जा रहे हैं। मंशियात बरामदगी केस, राना सनाउल्ला के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तोसी, इंसदादे मंशियात अदालत का मुलजम को 28 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसी सूरत हुकूमत से डील नहीं करेंगे। मंशियात का केस 100% झूठा है और झूठा साबित होगा। पंजाब में तब्दीली की हवा, कैम गोइयों का बाजार गर्म, शहबाज गिल और ओन चौधरी की बरतरफी के बाद पंजाब में गैर यकीनी की सूरत हाल। वज़ीर आला उस्मान गुज़ार की उम्र की अदायगी से वापसी पर बड़े फैसले मतवक्का, कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा को हटाए जाने का इम्कान। गाजाम के चीमा नहर मोतरा के पुल से डंपर नहर में गिर गया, डंपर ड्राइवर और साथी की तलाश जारी, रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। सियालकोट जो यू टर्न न ले वो लीडर ही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात का भरम रखते हुए सियालकोट की आवाम का भी यू टर्न बंद करने से इनकार। सियालकोट का डस्का रोड पर जगह जगह बनाए गए गैर कानूनी यू टर्न जिले इंतजामिया और महकमा हाईवे के इश्तराक से ईंटें लगाकर बंद कर दिए गए। थोड़े ही दिनों बाद आवाम ने इंतजामिया का साथ देने की बजाय गैर जरूरी यू टर्न दोबारा खोल लिए जो किसी भी हादसा का सबब बन सकते हैं। हरिपुर पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से पुलिस अफसरान के लिए एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद। इस मौके पर एडिशनल एसपी हरिपुर जुल्फकार जदून, डीएसपी साबर खान और मुख्तलिफ थानों से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसरान ने शिरकत की। पुलिस अफसरान को जाली करेंसी के इस्तेमाल के रोकथाम के लिए हदायत दी गयी। थक्कर असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान असद चांडिया का गैर कानूनी डीजल और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन, अरसा दराज से गैर कानूनी एजेंसियों पर पेट्रोल और डीजल की फरोख्त जारी थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने 13 आयल एजेंसियों को सील कर दिया। मजीद असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था किसी भी गैर कानूनी काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। नौशहरा फरोज एंटी करप्शन टीम का कंडेहारू में महकमा एरीगेशन के ऑफिस पर छापा, एंटी करप्शन टीम ने महकमा एरीगेशन का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया, अतला मिलते ही ऑफिस का अमला गायब, छापा अवामी शिकायत पर मारा गया। झंग डीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद, वज़ीर आला उस्मान बज़दार की हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ झंग ने कहा वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब इंसाफ अवाम की दहलीज पर के विजन पर खुली कचहरी लगाई जा रही है, आवाम अपने मसाइल हमारे सामने रखें और हम उनके हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईसा खेल, थाना ईसा खेल पुलिस को लारी अड्डा ईसा खेल से 14 साल मोहम्मद जवाद नामी बच्चा मिला, वालिद का नाम मोहम्मद सईद, तला गैंग का रहायशी बताता है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए खबर चलाई तो वालिद ने थाना ईसा खेल राब्ता किया, आज सुबह पुलिस ने बच्चे को वालिद के हवाले कर दिया। कुंदिया के नवाही इलाका मौजू बकड़ा बारिशों की वजह से शदीद कटाव का शिकार, 250 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें दरियाबर, अवामी नुमाइंदों और जिले इंतजामिया ने संगीन सूरत हाल से आंखें फेर ली, अहले इलाका पहले ही अपनी फसलें और घर तो खो चुके हैं, अब उन्हें अपनी जानों के लाले पड़े हैं। इलाका मकीनों का वज़ीर-ए-आला पंजाब और आला हकाम से फौरी अमदाद की अपील।